हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल, जय महाकाल। करते हैं न्यू वीडियो शुरुआत। दोस्तों जो मेरी वीडियो है, ये भारत में पहला करने वाला मैं 24 आवर्स चैलेंज का पहले व्यक्ति बन चुका हूँ। एक लेडीज ने ट्राई किया था, तो सफल हो गई थी। और जो ISPC वाले बंदे करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। दोस्तों मैंने चैलेंज पूरा किया है लाइव प्रूफ के साथ, ये आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये चैलेंज आप भी कर सकते हो, ये आपको कुछ किसी सजा की तरह नहीं लेना है, इंजॉयमेंट के साथ देना है। मैंने इस तरह आपको दिखाया है कि आप 24 घंटे कैसे इंजॉयमेंट के साथ सब पूरा कर सकते हो। इसमें कोई सजा नहीं है, आपको 24 घंटे चपक रहना है। इसमें आप पानी पियो, खाना भी खाओ, पर अपना अलग समझ बोलो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। तो दोस्तों इस समय आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो मेरी वीडियो पुरानी, उस टाइम मैंने डालने का मौका नहीं मिला था। तो अब मैं वीडियो फाइनली एडिट करके आपको परोस रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, अब फाइनली आपको अच्छी लगेगी। और आप इसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहते हो, ये वीडियो उसको जरूर शेयर करो। अपने छोटे भाई बहन जिसको भी आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहते हो, ये वीडियो उनको जरूर सेंड करें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मेरे 31 जनवरी ब्लॉग में, चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल, जय महाकाल। करते आज की ब्लॉग वीडियो शुरुआत। दोस्तों आज का ब्लॉग ही बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, कि आज मैं चैलेंज करने वाला हूँ खुद को। क्या चैलेंज करने वाला हूँ, क्या 24 घंटे तक पढ़ाई करूंगा, वो मैं फोन से करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस नोट से करूंगा। तो दोस्तों देखते हैं ये मैं कर पाता नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक ये लगभग बहुत कम लोगों ने कर पाया वो इंडिया में। तो अब तक मुझे कोई सच करने पर मिला ही नहीं कि कोई मेल ने ये चैलेंज पूरा किया हो। दोस्तों इसमें बहुत टफ चैलेंज है, इसमें मेरा दिमाग खराब हो सकता है, नजर पड़ सकती है। कुछ 24 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, एक ISPC की लेवल की होती है। बट मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं ISPC कर सकूँ, और मैं अपने आज पूरी स्ट्रेंथ लगा दूंगा। मैं आज 8 बजे से आपको दिखाता हूँ टाइम, क्या टाइम क्या ऑफर है। और भाई देखिए गूगल मैंने सोच मारा, टुडे आज की तारीख है, देख सकते आप 3 जुलाई है। और मैं कल तक, अब टाइम हो रहा है 7:55, और मैं 8 बजे तक, ये देख सकते हो आप, मैं 8 बजे से नेक्स्ट डे 8 बजे तक अपना चैलेंज पूरा करूँगा। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने सेटअप पर, और देख सकते हो आप ये घड़ी है, और ये है मेरी पेन, देख सकते हो आप ये फुल भर रही है। जो भी पेन खाली होगी आपको उसको पता चल जाएगा। और तो ठीक है दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने अब तक भी लाइक नहीं किया है तो ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने अभी थ्योरी समझी थी, अब मैं थ्योरी को नोट करूंगा अपने रजिस्टर में। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों लंच कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो देखते हैं कब होता है, चलते हैं।
दोस्तों 7 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं और वो फाइनली पैरों में दर्द होने लगा है खड़े लट के, और यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर कोई नहीं आपके लिए कराएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी गर्म करा है, पानी पीऊँगा गर्म। दोस्तों अब देखिए ये क्लास चलेगी, क्लास चल रही है, ये फैन है भाई। दोस्तों मैं पानी पीता हूँ और दोबारा कंटिन्यू करता हूँ पूरे जोश के साथ, जो हो जाए देखा जाएगा। तो दोस्तों फाइनली 8 घंटे 15 मिनट हो चुकी है और ये आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, पर आपको दिख पा रहा हो 4:18। ये दोस्तों अब थोड़ी सी ना सुबह से बैठे बैठे यहाँ थोड़ा बोर सा हो गया, तो ऊपर चलते हैं धूप में, थोड़ी देर अब धूप में पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों आप टाइम देख लीजिए, चलते हैं ऊपर। दोस्तों देखिए मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे एक खाट है, मैं खाटे बैठ पढ़ूंगा और अपना चैलेंज पूरा करूंगा। दोस्तों शाम हो चुकी है और यहाँ पे लगने लगी है ठंड, आप देख सकते हो टाइम 5:27 हो चुके हैं। अब दोबारा चलता हूँ नीचे ही कमरे में और फिर वहाँ तैयारी करते हैं, चलो। तो दोस्तों ऊपर से नीचे आके फाइनली खाना भी खा लिया है और तो पुनः अपनी पढ़ाई आरंभ करते हैं। तो दोस्तों फाइनली 12 घंटे हो चुके हैं और थोड़ी तबीयत मतलब गड़बड़ाने लगी, शरीर में हाइटेशन सी होने लगी, पर कोशिश पूरी करूँगा। नहा रहे हैं दोस्तों देखिए वक्त हो चुका है 8:34। दोस्तों फाइनली मैंने अपना आज थोड़ा ज़्यादा टास्क पूरा कर लिया है, अब बचे 12 घंटे, मैं वो भी कोशिश करूँगा कि मैं भी पूरे करूँ। दोस्तों आज तक का मैं पढ़ाई में इतना होशियार हूँ, आज तक मुझसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब सलाह सकते हो कि मैं कितना लो हूँ। और कोई बात नहीं कि किस्मत से लड़ने का मज़ा ही अलग है, ये मुझे जीतने देती और मैं हार नहीं मानता। तो ठीक है दोस्तों दोबारा अपनी शुरू करते हैं, आपको दिखाना आया था कि अब रात हो चुकी है, कभी आप सोचोगे फर्जी वीडियो या ऐसा बना रहा, फर्जी कुछ नहीं है जी, ये देखिए दीवारें हैं, बाकी सुबह को यहीं होगी मुलाकात आपसे, बाकी चलते दोबारा नीचे, दोबारा करते शुरुआत।
दोस्तों फाइनली हमारा सिर्फ 1/3 हिस्सा रह गया है, अब टाइम देख सकते हो 12:18 हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली आनंद आ रहा है, कोई नींद नहीं आ रही, माइंड एकदम स्थिर हो गया है और चल रहा है बखिर जो देखते हैं क्या तो नींद आती है नहीं आती है। दोस्तों रात के 3 बज चुके हैं और नींद के झोंके से आ रहे हैं, बट सोना नहीं है। कॉफ़ी बनाता हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा और कंटिन्यू करता रहूँगा जब लोग मेरा चैलेंज पूरा ना हो जाए। तो हेलो गाइस, तो मैंने फाइनली 24 आवर चैलेंज पूरा कर दिया है और मैं ये करने वाला पहला भारतीय युवा बन गया। तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन से भर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ही करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा ब्लॉग शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जिसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहते हो उसको आप दे सकते हो कि वो अपनी स्ट्रेंथ पढ़ाए और वो और पढ़े। दोस्तों मैं फाइनली 8 तो बज चुके हैं, मैं भी नहीं रुकूंगा, आप किसी भी टाइम चेक कर सकते हो, देखिए कोई फ्री टाइम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।